हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के एम स्मार्ट आल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ लेटेस्ट क्यू कार्ड एंड नेम ऑफ द क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू कंप्लेन अबाउट समथिंग एंड फाइनली गॉट गुड रिजल्ट। मींस कोई भी टाइम बताना जब आपने कंप्लेन की हो किस चीज़ की और लास्ट में आपको अच्छा रिजल्ट मिला हो उस चीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस ऑल द फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ दिस क्यू कार्ड। सो बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज व्हेन डू पीपल यूजुअली कंप्लेन। लोग मोस्टली कंप्लेन कब करते हैं? People usually complain when they have been inconvenienced or face a discomfort. कि mostly complain करते हैं जब उनको किसी चीज़ में असुविधा फील होती है या discomfort फील होता है। Moreover, they also do complain when they cheated by someone. और कई बार वो complain इसलिए भी करते हैं, कई बार वो cheated किए जाते हैं किसी के द्वारा। However, there are some people who may complain without any valid reason as they may have a complaining attitude. और कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी रीजन के ही कंप्लेन कर देते हैं और उनके अंदर क्या है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, यानी कि हर छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेन करना। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन कंप्लेनिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम। कि क्या जो कंप्लेनिंग है वो हेल्प कर सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में? यस डेफिनेटली, कंप्लेनिंग कैन हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम। कंप्लेनिंग हेल्प कर सकती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। व्हेन अ प्रोडक्ट और अ गैजेट स्टॉप्स वर्किंग देन कंप्लेनिंग टू द कस्टमर सपोर्ट और सर्विस हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। कि कई बार जो प्रोडक्ट है या गैजेट है वो काम करना बंद कर देते हैं, तब हम कंप्लेन करते हैं कस्टमर सपोर्ट को या सर्विस को, वो हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर आर मैनी सिचुएशंस व्हेन पीपल गेट चीटेड एंड इफ दे कंप्लेन टू द अथॉरिटीज दे आर वेरी लाइकली टू गेट जस्टिस। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो चीटेड किए जाते हैं, लेकिन जब वो कंप्लेन करते हैं उस अथॉरिटी को तो उन्हें जस्टिस मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अदर मेजर्स यू should take to solve problem rather than complain। कि और कौन से steps हैं जो हमें लेने चाहिए problem solve करने के लिए complain की बजाय। Well, sometime complaining is not the best solution to solve problem that we face। कई बार complain करना वही एक अच्छा solution नहीं है problem solve करने का जो हम face करते हैं। Sometime we can solve problem by taking steps at individual level। कई बार हम problem solve कर सकते हैं कुछ steps लेके individual level पे, यानी कि आपस में ही problem को solve कर लेते हैं। Okay, और next question is what kind of people complain? किस type के लोग complain करते हैं? Actually, people who are aware about their rights, so these type of people mostly do complain because they know about their right or wrong। कि वास्तव में जो लोग अवेयर है अपने राइट्स के लिए वही लोग कंप्लेन करते हैं क्योंकि उनको पता है अपने राइट और रोंग के बारे में। However, there are some people who are unaware and do not want to take responsibility for their actions and sometimes they complain without any reason। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनअवेयर है अपने राइट्स के लिए और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम के लिए नहीं रखना चाहते, वो कई बार बिना किसी रीजंस के भी कंप्लेन कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यूजुअली गेट एंग्री। क्या आप यूजुअली मतलब एंग्री होते हो? नो, आई डू नॉट यूजुअली गेट एंग्री। However, there are some situation which make me angry, like when I see someone doing or saying something wrong and inappropriate to others। कि मुझे गुस्सा तभी आता है जब मैं देखती हूँ कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी को कोई कुछ गलत कह रहा है। So that time I get angry। Okay, और last question is, do you think customer complaint will improve product or service?
क्या आप ऐसा सोचते हो जो कस्टमर कंप्लेंट है वो इम्प्रूव करेगी प्रोडक्ट और सर्विस को? यस डेफिनेटली एवरी कंपनी नोज दैट कस्टमर इज़ द किंग नाउअडेज। कि हाँ, हर एक कंपनी जानती है कि जो कस्टमर है वो किंग है। इफ़ दे गेट अ कंप्लेन, अगर वो कंप्लेन लेते हैं, दे लिसन टू इट, उनको सुनते हैं एंड ट्राई टू इम्प्रूव और इम्प्रूव करते हैं। इफ़ दे इम्प्रूव ओनली देन दे रिटेन देयर कस्टमर, अगर वो इम्प्रूव करते हैं तभी वो अपने कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ दिस क्यू कार्ड। एंड स्टूडेंट्स, एनी फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ एनी क्यू कार्ड इन योर माइंड, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। एंड स्टूडेंट, इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर अपडेट अबाउट माई अपकमिंग वीडियो, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।